वेलकम टू डिस्कवर मूवीज। मूवी के स्टार्ट में हम ली और उसकी गर्लफ्रेंड युवान को देखते हैं। दोनों पेंटिंग किया करते थे और इस काम में कामयाब होना चाहते थे। युवान ओरिजिनल पेंटिंग्स बनाती थी जबकि ली फेमस पेंटिंग्स की डुप्लीकेट्स बनाता था। ली बहुत ज्यादा टैलेंटेड था इसलिए वो आसानी से किसी भी पेंटिंग का डुप्लीकेट बना सकता था, मगर वहाँ के डीलर्स ली के काम को पसंद नहीं करते थे इसलिए उसकी पेंटिंग्स बिकती नहीं थी। फिर एक दिन ली को पता चलता है कि एक आदमी जिसका नाम लुकमान था वो युवान की पेंटिंग को एग्जीबिशन में रखना चाहता है। अब युवान चाह रही थी कि उसकी पेंटिंग के साथ साथ ली की पेंटिंग को भी वहाँ रखा जाए, मगर ली की पेंटिंग्स कॉपी होने की वजह से लुकमान इनकार कर देता है। ली उनकी बातें सुनकर युवान को कहता है कि तुम उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि युवान की पेंटिंग्स एग्जीबिशन में रख दी गई है और वो वहाँ अपनी पेंटिंग के साथ ली की एक ओरिजिनल पेंटिंग भी रख देती है। तभी एक पेंटर नामी आदमी वहाँ आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाने लगता है। युवान उसके इस बिहेवियर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। पेंटर के वहाँ से जाते ही ली उसका पीछा करता है और उससे माफी मांगता है। अब पेंटर उससे कहता है कि मैं दरअसल तुम्हारी पेंटिंग की बुराई नहीं बल्कि तारीफ करना चाहता था, क्योंकि ओरिजिनल और महंगी पेंटिंग्स को सही से कॉपी करके उनका रेप्लिका बनाना भी एक आर्ट है, और जो कॉपी तुमने बनाई है वो तो ओरिजिनल से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। वो ली को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और उसे बोलता है कि तुम एक बेहतरीन कलाकार हो, तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा यूनिक है। फिर वो उसे एक जॉब की ऑफर देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ली एग्जीबिशन हॉल में वापस आता है और अपनी पेंटिंग को जला देता है, क्योंकि वो सोचने लगा था कि अब वो सिर्फ रेप्लिका पेंटिंग्स बनाया करेगा। फिर ली पेंटर से मिलता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जॉब के लिए तैयार हूँ। अब पेंटर उसे बताता है कि मैं तुमसे कोई फेक पेंटिंग नहीं बनवाऊंगा बल्कि तुम्हें बनाने होंगे फेक करेंसी नोट्स। फिर वो ली को बताता है कि मेरी 3 generations फेक करेंसी बनाती आई हैं, वो भी कभी जेल जाए बगैर। वो उसे कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए लाइफ में रिस्क तो लेना ही होगा, और अगर तुम्हारे टैलेंट को ये काम रास आ गया तो तुम रातों रात करोड़ों में खेलने लगोगे, बस तुम्हें ये क्राइम सही तरीके और समझदारी से करना होगा। फिर ली घर वापस आता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लुकमान के साथ जाते हुए देखता है, क्योंकि अब युवान उसके साथ नहीं रहना चाहती थी इसलिए कि ली ने अपनी पेंटिंग जलाकर उसका बहुत नुकसान कर दिया था। ली पैसों के मामले में तो स्ट्रगल कर ही रहा था पर अब उसका प्यार भी उसे छोड़ चुका था इसलिए वो पेंटर की ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। पेंटर उसे कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने हाल ही में नई करेंसी बनाना स्टार्ट की है जो कि कॉपी करना बहुत मुश्किल है। करेंसी में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा रेप्लिका आर्टिस्ट भी कॉपी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि सिर्फ तुम ही इसकी कॉपीज बना सकते हो, वो भी पेंटिंग मशीन यूज किए बगैर। फिर पेंटर उसे बाकी के टीम मेंबर्स से मिलवाता है जिनमें प्रिंटिंग प्लेट स्पेशलिस्ट याम, कलर्स थ्योरी की एक्सपर्ट लीवा, सब चीजों की अरेंजमेंट्स करने के लिए शुम और वोंग जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। डॉलर बनाना आसान काम नहीं था, इसके लिए सबसे पहले स्टार्च पेपर की जरूरत थी क्योंकि इस पेपर में इंक अपना कलर चेंज कर देती है और इसी के जरिए फेक नोट्स ट्रेस किए जाते हैं। इसके बाद ली नोट का डिजाइन बनाने लगता है और पेंटर उसकी ड्राइंग से काफी ज्यादा खुश था, लेकिन अब उनको नोट के बीचों बीच वाटरमार्क लगाना था जो कि एक मुश्किल काम था। इसके लिए पेंटर उसे कहता है कि जैसे पुराने चाइनीज पेंटर्स अपनी पेंटिंग की 3 layers बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही हम भी अपने करेंसी नोट्स की लेयर्स बनाएंगे और सेंटर वाली लेयर में हम वाटरमार्क को रख देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नोट की फर्स्ट कॉपी तैयार हो चुकी है, लेकिन इस कॉपी के लोगों में ओरिजिनल नोट की तरह मोर इफेक्ट की जरूरत थी, मतलब कि एक एंगल से लोगों का गोल्डन और दूसरे से ग्रीन दिखना। अब इसके लिए कलर शिफ्टिंग इंक की जरूरत थी जो कि मार्केट में नहीं मिलती। इसके बाद प्रिंटिंग मशीन खरीदने के लिए वो सब ईस्टर्न यूरोप जाते हैं, वहाँ सेकेंड हैंड चीजों की बहुत बड़ी स्क्रैप मार्केट थी और वो लोग $5,000 में प्रिंटिंग मशीन खरीद लेते हैं। पेंटर ली को कहता है कि गवर्नमेंट करेंसी नोट्स बनाने में जो स्टार्च पेपर बच जाता है वो उसे टेलीफोन डायरेक्टरीज में यूज करती है और फिर वो लोग डायरेक्टरी बनाने वाले से स्टार्च पेपर खरीदते हैं, लेकिन कलर शिफ्टिंग इंक अभी भी उनके पास नहीं थी और इसके लिए पेंटर अपनी टीम के साथ ओरिजिनल करेंसी नोट्स के लिए गवर्नमेंट की जाने वाली इंक डिलीवरी पर अटैक कर देता है। ली भी उनके साथ ही था और जब वो इंक को ट्रक से निकाल रहा था तो अंदर छुपा हुआ सिक्योरिटी गार्ड उस पे गोली जलाने लगता है,
मगर उसके ऐसा करने से पहले ही पेंटर ली को बचा लेता है और फिर गार्ड्स के साथ साथ उस ट्रक को भी बॉम्ब से उड़ा देता है। पेंटर के ऐसा करने से ली उदास हो जाता है क्योंकि उसने उन गार्ड्स की जान ले ली थी। दूसरी तरफ हम कैनेडियन इंटेलिजेंस को देखते हैं जो कि हांगकांग के एक ऑफिसर विंग को जाली नोट्स की रोक के लिए अपॉइंट करती है क्योंकि उनको मार्केट में चलने वाली फेक करेंसी की खबर मिल चुकी थी। और फिर पेंटर और उसकी टीम कलर शिफ्टिंग इंक यूज करके फाइनल नोट्स बनाने में लग जाते हैं और फिर जो नोट्स बनते हैं वो ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल लग रहे थे। अब ये बात उन सब के लिए बहुत खुशी की थी मगर ली का मूड अभी भी ऑफ था। वो पेंटर से पूछता है कि जब ये इंक खत्म हो जाएगी तो क्या तुम और इंक के लिए फिर से लोगों की जान लोगे, और फिर वो कहता है कि ये काम खत्म होने पर मैं तुम सबको छोड़ के चला जाऊंगा। पेंटर उसकी इस बात से गुस्सा होता है मगर फिर वो ली को काम पूरा होने पर जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद इस करेंसी को बहुत से बैग्स में भर के अलग अलग जगहों पर फेक नोट्स के क्लाइंट्स को दे दिया जाता है। फिर एक दिन ली कलर शिफ्टिंग इंक का एक जुगाड़ निकाल लेता है। वो उसे एक कार दिखाता है जिसके पेंट में कलर शिफ्टिंग इंक यूज की गई थी और फिर ली उस पेंट से इंक को एक्सट्रैक्ट करने के काम में लग जाता है। दूसरी तरफ पेंटर अपने सबसे पुराने क्लाइंट जनरल से मीटिंग करने जाता है। जनरल का खास बंदा उन फेक नोट्स को अपनी एक एक्सपर्ट चिंग से एग्जामिन करवाता है। तभी अचानक ली वहां आ जाता है और उसका चिंग से आमना सामना होता है। ली वहां इसलिए आया था क्योंकि उसने कलर शिफ्टिंग इंक बना ली थी और वो ये न्यूज पेंटर को सुनाना चाहता था। पेंटर ली की इस अचीवमेंट पे बहुत खुश होता है और उसे अपने साथ जनरल से मिलवाने ले जाता है। पेंटर यहाँ जनरल से कोई डील करने नहीं आया था बल्कि उसके दिल में कई साल पुराना बदला था क्योंकि बहुत साल पहले जनरल ने पेंटर के फादर को मारने की कोशिश की थी। अब पेंटर वहाँ अपनी जैकेट ओपन करता है और उसकी बॉडी पे बॉम्ब्स लगे हुए थे और इन बॉम्ब्स का रिमोट ली के पास था। जनरल का आदमी पेंटर के सर पे गन पॉइंट कर देता है और उसे ये बात पता थी कि पेंटर नहीं बल्कि ली इन फेक नोट्स का असल क्रिएटर है। पेंटर ली को इशारा करता है और उसके रिमोट फेंकते ही बाहर खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट होता है। अब पेंटर और जनरल के लोगों में फाइट होने लगती है। वहाँ पेंटर को जनरल के आदमी घेर लेते हैं मगर तभी थोड़ी दूरी से पेंटर का एक आदमी इस घर पे रॉकेट फायर करता है और फिर पेंटर के और भी आदमी वहां आकर जनरल के लोगों पर रॉकेट्स फायर करने लगते हैं। इस सब गोलाबारी में चिंक जल गई थी और ली उसे उठाकर वहां से ले जाता है और पेंटर जनरल को मार देता है। इसके बाद ली चिंक के जले हुए फेस पे प्लास्टिक सर्जरी करवाता है और उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड युआन का नाम देता है। फिर कुछ वक्त बाद ली चिंक और पेंटर युआन की एग्जीबिशन में आते हैं। वो अभी भी उससे प्यार करता था और उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता था मगर वहाँ वो देखता है कि युआन तो अब लुकमान की गर्लफ्रेंड है और उसके साथ रिलेशनशिप में है। पेंटर उसे कहता है कि तुम्हें अपने प्यार को पाने के लिए लड़ना चाहिए मगर ली वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर विंग जाली नोट्स का क्लाइंट बन के पेंटर को पकड़ना चाह रहा था। उसके साथ एक को ऑफिसर हो भी थी। विंग पेंटर के दो आदमियों शुम और वोंग से मिलता है लेकिन विंग पेंटर के लिए एक न्यू क्लाइंट था इसलिए वो कोई रिस्क लेने से पहले उसके बारे में पता करता है। फिर उसे पता चलता है कि याम ने उनके बनाए जाली नोट से एक वॉल क्लॉक खरीदी थी और इसी वजह से विंग उस तक पहुंचा जो कि पुलिस का आदमी है। याम ने रूल ब्रेक किया था क्योंकि अपने बनाए जाली नोट से खुद के लिए कुछ भी खरीदना मना है। फिर पेंटर याम और उसकी फैमिली को मार देता है। इसके बाद विंग पेंटर से डील करने आ जाता है क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता था कि पेंटर उसकी असलियत जान चुका है। पेंटर ली से कहता है कि विंग को मार दो मगर ली डर जाता है। इसके बाद पेंटर विंग को मार देता है और फिर ली पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और तुम अभी तक इतने डरपोक हो। फिर वो उसको आखिरी चांस देने के लिए युआन और लुकमान को किडनैप करके ली के सामने लाता है और उसे लुकमान को मारने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा करने से ली को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस मिल जाएगी। मगर ली उसको मारने की बजाय अपनी गन पेंटर पे पॉइंट कर देता है। पेंटर जानता था कि ली डरपोक है इसलिए वो लुकमान को मार देता है। अब ली युआन को बचाता है और पेंटर और उसके बंदे उन पे फायरिंग करने लगते हैं मगर तभी चिंग वहां आ जाती है और पेंटर के सभी बंदों को मार देती है। इसके बाद ली और पेंटर का आमना सामना होता है और ली उसे मार देता है। फिर ली चिंग और विंग के लिए लाए हुए फेक नोट्स लेकर वहां से भाग जाता है और वो दोनों एक रिजॉर्ट में छुप जाते हैं। वहां न्यूज़पेपर में ली पढ़ता है कि पेंटर बच गया था और वो अभी भी जिंदा है। अब ली ये बात जानता था कि पेंटर बदला लेने के लिए युआन को नुकसान पहुंचाएगा। अब ली युआन के पास पहुंचता इससे पहले ही ट्रैवल एजेंट के ऑफिस में पुलिस ली को फेक करेंसी यूज करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद वो ली को इंटेरोगेट करती है मगर ली बहुत डरा हुआ था इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। फिर युआन अपना लॉयर लेकर ली की बेल करवाने आती है।
हो कहती है कि ली को हम छोड़ देंगे, मगर उसके जरिए हमें पेंटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। युआन उनकी हेल्प के लिए मान जाती है। फिर वो यही बात ली से करती है और ली पेंटर की इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर पुलिस ली की मदद से चिंग और पेंटर का स्केच बनवाती है और ली आजाद हो जाता है। इसके बाद युआन और ली एक होटल में जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन हो पुलिस स्टेशन के बाहर पेंटर जैसे दिखने वाले एक ऑफिसर को देखती है और हो उसका पीछा करने लगती है। अब उस आदमी के पकड़े जाने पर वो कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और उस दिन ली के अरेस्ट होने पर पुलिस का ड्राइव करने वाला मैं ही था। फिर हो को पता चलता है कि ये ऑफिसर सच बोल रहा है और अरेस्ट होने के बाद ली ने काफी देर ड्राइवर को देखा था और फिर पेंटर की जगह उसी ड्राइवर का स्केच बना दिया था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हमें पता चलता है कि पेंटर नाम का कोई आदमी दुनिया में है ही नहीं और इस सारी गेम का मास्टरमाइंड ली खुद है। उसने खुद का रोल उस पेंटर को दिया था जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था और ली ने ही अयाम और उसकी फैमिली के साथ साथ सबको मारा था और पेंटर तो बस एक फिक्शनल करेक्टर था ताकि ली खुद सेफ रह सके। जब हो रिजॉर्ट पहुंचती है तो ली युआन के साथ वहां से भाग चुका था और फिर हो को यह भी पता चलता है कि जो युआन ली की बेल करवाने आई थी वो रियल युआन नहीं थी, क्योंकि रियल युआन तो अभी भी अपनी लाइफ में पेंटिंग्स बनाने में मसरूफ थी और ली के साथ जो युआन थी वो एक्चुअली चिंग थी, क्योंकि ली ने उसकी फेस सर्जरी के साथ साथ आइडेंटिटी भी चेंज कर दी थी। और जब चिंग ने उस दिन एग्जीबिशन में युआन को देखा था तो वो समझ चुकी थी कि ली उसकी जगह युआन से प्यार करता है और फिर उसी ने लुकमान और युआन को किडनैप किया था और फिर उसने ली से डिमांड की थी कि वो युआन को मार दे। इसी वजह से उस दिन ली के बंदों और युआन के लोगों में गन फाइट हुई थी और फिर चिंग वहां से भाग गई थी। इसके बाद उसने ली की बेल भी इसीलिए करवाई थी क्योंकि वो ली से बदला लेना चाहती थी। ली की सोच थी कि जिस चीज को तुम चाहते हो वो अगर तुम हासिल ना कर सको तो किसी और चीज को खरीद के उसी जैसा बना दो, जिसकी एक मिसाल जाली करेंसी है। चिंग ली की वजह से बहुत हर्ट थी, इसलिए वो हो के लिए लाइटर में एक पेपर छोड़ देती है जिसमें उस बोट का नंबर था जिसमें उसने ली के साथ जाना था। फिर हम समुन्द्र के बीच ली और चिंग को देखते हैं जो कि हांगकांग की टेरिटरी से बाहर निकलने वाले हैं। तभी चिंग उसे कहती है कि वो बोट को हांगकांग की टेरिटरी में ही गोल गोल घुमा रही है और मैं तुम्हारे साथ फेक युआन बन के नहीं रहूंगी। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब ली बोट चलाने की कोशिश करता है मगर वहाँ बॉम्ब पड़ा था जिसका रिमोट चिंग के पास था। तभी वो रिमोट का बटन प्रेस करती है और बोट ब्लास्ट हो जाती है। हो ये सब देख रही थी। फिर कुछ दिन बाद हो असली युआन के पास जाती है और उसे ली का फोटो दिखाती है। युआन उसे बताती है कि ये आदमी कुछ साल पहले मेरा नीबर था। यहाँ ये पता चलता है कि युआन और ली कभी रिलेशन में थे ही नहीं और ली उससे एक तरफा प्यार करता था और उसको पाने के लिए उसने फेक करेंसी नोट्स बनाना शुरू किए ताकि वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाए और युआन को हासिल कर सके। मगर तब भी जब उसे युआन नहीं मिली तो उसने अपनी सोच के मुताबिक चिंग को युआन जैसा बना दिया। दी एंड। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय।